खड़े हो जाओ सामने, वो कैसे घूम हूँ ऐसे बना रही है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं राजेश्वर आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो चलिए गाइस, आज के इस ब्लॉग को हम शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज 9 दिन हो चुके हैं और हमारे चैनल पर कोई ब्लॉग नहीं आया। तो मतलब जो एक क्रिएटर और ऑडियंस का जो कनेक्शन होता है ना, वो टूटने लगता है धीरे धीरे। आप सबको भी आदत हो जाती है कि हाँ, 2-3 दिनों में इसका कोई नया ब्लॉग आ जाएगा, तो उसके लिए सॉरी। और अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक वीक में ना कम से कम 3 वीडियोज़ तो दे ही दूँ मैं। तो सो गाइज, आज जैसे कि हम ना जम्मू के एक बहुत ज़्यादा फेमस जगह पे घूमने जा रहे हैं, जिसका नाम महाराजा हरि सिंह पैलेस बोलो या अमर सिंह पैलेस बोलो, एक ही बात है। तो मतलब जो हमारे जम्मू के महाराजा थे ना, हरि सिंह, वो उधर ही रहते थे। तो आज हम उधर ही घूमने जा रहे हैं। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, इतने सालों से मैं जम्मू में रह रहा हूँ, आज तक नहीं गया। तो फर्स्ट टाइम रहेगा मेरा और फर्स्ट एक्सपीरियंस भी रहेगा। जो मैं देखूँगा वो आपको भी दिखाऊँगा। तो चलो जल्दी से चलते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम हिमांशु है, वो आने वाला है बस थोड़ी देर में, फिर उसके साथ चलते हैं, उससे भी आपको मिलाता हूँ। क्योंकि तो गाइज़, अभी जैसे कि मैं निकलने जा रहा हूँ, मुझे हिमांशु का फ़ोन आया था कि तू आ जा जीवल, यहाँ पे मतलब बस स्टैंड से हमने सीधे उधर की बस पकड़नी है हरी पैलेस की, तो अभी उधर ही जा रहा हूँ मैं। तो चलो चलते हैं जल्दी से, वो वेट कर रहा है मेरा उधर, तो चलो चलते हैं। फाइनली गाइज, अभी जैसे कि पहुंच चुका हूँ, और हिमांशु पता नहीं इधर कौन से स्टेशन के पास खड़ा हुआ है, अभी उससे ढूंढना पड़ेगा इधर, क्योंकि हम वो भी इधर आया और उसने मुझे कहा कि तू इधर आ जा, इधर से साथ में चलते हैं। तो अभी ढूंढते हैं किधर है। फाइनली इतना परिश्रम करने के बाद मिल गया हिमांशु, अभी मिलाता हूँ आपको। वो खड़ा हुआ है उधर। और इधर क्या है? तो गाइज फाइनली आ गए, हिमांशु आ चुके हैं। हिमांशु हाय। तो अभी चलने वाले इधर से हरि सिंह पैलेस की मेट्रोटोर पकड़ेंगे, फिर चलेंगे, देखते हैं कौन सी मिलती है। भाई अभी जैसे कि पहुंचने वाले हैं और कोई 100 मीटर का रास्ता रह गया, क्योंकि इधर तक मेट्रोटोर नहीं जाती, वो भैया कह रहे हैं, तो उन्होंने हमें रास्ते में उतार दिया। 100 मीटर हमें चलना पड़ेगा अभी। मतलब हम जहाँ से चल के आ रहे थे ना, उधर इतनी ज़्यादा धूप थी कि मतलब पसीने टपक रहे थे। और अभी जैसे ही इधर पेड़ों के नीचे से जा रहे हैं ना, मतलब रास्ते में पूरे पेड़ हैं, तो इधर मतलब पूरी गर्मी ख़त्म होगी। यहीं से पता चलता है मतलब पेड़ों की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, तो पेड़ नहीं काटने चाहिए। तो गाइस, ऐसा कुछ एंट्रेंस है ये हरि सिंह पैलेस का। और गाइस, यहाँ से जो मतलब पहाड़ियों का व्यू आ रहा है ना, मैं नेक्स्ट लेवल है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा पूरा अच्छे से। तो यहाँ पे पेड़ भी काफी सारे लगाए हुए हैं। तो गाइस, जैसा कि आप बाहर से देख सकते होगे, मतलब वीडियो और रियलिटी को कोई जज नहीं कर सकता। वीडियो कुछ और ही है, रियलिटी में जो देख रहे हो ना आप, मतलब नेक्स्ट लेवल है, आपको ज़रूर आना चाहिए। तो चलो जल्दी से चल के टिकट का प्राइस पता करते हैं, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। तो गाइस, अभी जैसे कि टिकट कटा लिए, और कोई 50 रुपीज़ में ना आप पर पर्सन नीचे ही घूम सकते हो, और जो 125 की टिकट है ना, उसमें आप मतलब पूरा अमर पैलेस घूम सकते हो। तो 125 वाला बेस्ट लगा, तो हमने वही करा लिया हमने, क्योंकि पूरा घूमना था। और यहाँ पे मतलब फ़ोन भी अलाउड है, मैं हमने पूछ लिया अंदर, हम अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। हरि सिंह लास्ट राजा थे जम्मू कश्मीर के जी, और 1947 में तो ये सिस्टम ख़त्म हो गया राजा वाला जी। अब राजा के बेटे हैं ये जस्टिस करण सिंह, इनका नाम है जी। कांग्रेस पार्टी में मंत्री रहे हैं जी, मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, अभी भी हैं ये 92 साल के, 92 ईयर के हैं जी राजा के बेटे।
और इनके आगे बच्चे भी हैं, दो बेटे हैं, बहुएं हैं, एक बेटी है और इनकी वाइफ एक्सपायर है 2009 में। तो वंश तो है, ये ट्रस्ट बना दिया है, हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट है, खुद ही ये ट्रस्टी हैं और पैसा इन्हीं को जाता है। दिल्ली में रहते हैं, यहाँ भी आते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं। उनके जो फादर थे आखिरी राजा, उनकी गैलरी ये आगे है, वो देखें, उसके आगे सोने का सिंहासन है, उसके आगे बड़ा हाल है, मतलब सोने के सिंहासन के बारे में तो बड़ा सुना है। हाँ, सारा देख के ना फिर इधर आ जाना, मैं ऊपर भी दिखाऊंगा, इनकी मदर का रूम है ऊपर। जी जी, और ये भी आप बाहर का देख सकते होगे, मतलब ब्यूटी तो बहुत है इस जगह की, आप सबको ज़रूर आना चाहिए इधर। तो चलो आगे का देखते हैं थोड़ा बहुत, इधर चलते हैं। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हो कि ये हमारे हरि सिंह जी का स्टैचू है। पेंटिंग की चलती थी जी, वो तो कैमरे वैमरे थे नहीं, वो उनके राजा महाराजों के पास बनाने वाले होते थे, आप खड़े हो जाओ सामने, वो कैसे धूम हुआ ऐसे बना रही आप, ये वही है स्टेट, ये उसको छोड़ दो, कर्ण उसको कर्ण सिंह का अभी का गाइस। मतलब आप यहाँ पे जितनी भी मतलब फोटो फ्रेम्स देख रहे हो ना, उसके अंदर मतलब पेंटिंग्स हैं और डिटेलिंग देखो, मतलब कितनी ज़्यादा कर रखी है इनमें। सो गाइस अभी मतलब हम हैं हरी पैलेस के गार्डन में, तो देख सकते हो गया, और यहाँ से जो तवी का व्यू आ रहा है वो चेक करो। तो गाइस अभी मतलब इधर थोड़ी देर रुके हुए थे, इधर हम बैठे अच्छे से, मतलब देखा अपनी तवी को, अब हम जा रहे हैं ऊपर। मतलब मुझे पता है आप सबको एक्साइटमेंट होगी कि ऊपर वाला फ्लोर दिखाते हैं, तो चलो चलते हैं। तो गाइस मतलब अभी अंकल हमें पूरा दिखाएंगे। हाँ, रूम है मुझे आगे बंद है, मूवी नहीं बनाना था। सो गाइस मतलब अभी ऊपर से तो हम हो आए उधर, मतलब फ़ोटो खींचना अलाउड था लेकिन वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। सो गाइस मतलब अभी 3 बज गए, हम इधर 2 बजे आए थे, मतलब 1 घंटा भी हमने अच्छा खासा घूमा, और अभी सिंहासन ढूंढ रहे कि कौन किधर है। गाइस मतलब सिंहासन हम ढूंढ रहे थे, मुझे लगा कि वो रूम ओपन होगा लेकिन वो क्लोज है। तो गाइज मतलब काफ़ी अच्छा लगा, फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, और हिमांशु कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब आना चाहिए ना लोगों को इधर। बिल्कुल आना चाहिए, मतलब हमारे जम्मू की इतनी इतिहास है हमारे जम्मू का, ये तो आप सबको भी ज़रूर आना चाहिए इधर देखने। मतलब अभी हमने अच्छे से इधर घूम टहल लिए, जितना मतलब अपने जो 125 रुपये थे वो वसूल कर लिए अच्छे से, है ना। तो अभी हम जा रहे हैं सीधे घर, मतलब और अभी भूख बहुत ज़्यादा लगी है, मम्मा कह रही थी कि खाना खा ले खाना खा ले, मैंने अभी मतलब कुछ नहीं खाया। तुझे भी लग रही है हिमांशु भूख बहुत ज़्यादा? तो अभी चल के कुछ खाते पीते हैं, पेट पूजा, फिर घर जाने का काम दूजा, तो चलो चलते हैं।